एक भाई की फिल्म ने हाल ही में थिएटर में दस्तक दी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो दूसरा भाई बॉलीवुड में दस्तक देने के लिए बेकरार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर और उनके भाई ईशान खट्टर की, जिनकी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड जल्द रिलीज होने के लिए तैयार है। मुंबई में आज मशहूर ईरानी फिल्म मेकर माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर खुद माजिद मजीदी मौजूद थे। इसके अलावा फिल्म की कास्ट ईशान खट्टर, मालविका मोहनन, गौतम घोष और संगीतकार एआर रहमान भी मौजूद थे। इस फिल्म में हिंदी के अलावा अंग्रेजी और तमिल भाषा का भी खूब इस्तेमाल किया गया है और फिल्म के हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं मशहूर फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने, जो किन्हीं वजहों से इस इवेंट में शामिल नहीं हो पाए। बियॉन्ड द क्लाउड्स 23 मार्च को देश भर में रिलीज होगी। फिल्म को पूरी तरह से भारत में और भारतीय क्रू के साथ शूट किया गया है। बता दें कि शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर की ये पहली रिलीज होगी। खैर, जब ईशान खट्टर से एबीपी न्यूज ने पूछा कि उन्होंने इस तरह की ऑफबीट फिल्म से डेब्यू करने के बारे में क्यों सोचा, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। जी नहीं, बिल्कुल ये ख्याल नहीं आया कि ये ऑफबीट थॉट है। उम्मीद है कि आप फिल्म आके देखेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मुझे ये लगा कि लोगों को जरूर समझ आएगी और पसंद आएगी, तो ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं आया। ऑडिशनिंग के बारे में मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। उन्होंने हमें कुछ शूट करने के लिए भेज दिया था। हनी सर के असिस्टेंट थे हमारे साथ और हम चार पांच थे और हमें वेरियस जगहों पे भेजा गया फोन्स के साथ और हमें ये बताया गया था कि आपको फुटेज इकट्ठा करनी है और छोटा सा ब्रीफ दिया था कि इस तरह के सीन्स हैं और हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए बना के इनको दिखाया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही चोज मी इन दिस फिल्म। ईशान ने हमें ये भी बताया कि पहली फिल्म के तौर पर बियॉन्ड द क्लाउड्स चुनने में किन किन लोगों ने उनकी मदद की है। जाहिर है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ और ज़्यादातर वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ, तो उनसे ही सबसे पहले सलाह ली होगी और एब्सोल्युटली द फर्स्ट पर्सन आफ्टर दैट आई वुड गो टू वुड बी माय ब्रदर एंड या इट वाज आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट द फिल्म। जैसे कि आप जानते हैं मैं इसके बाद भी एक फिल्म कर रहा हूँ करण जौहर साहब के साथ और एट दैट टाइम वी वन टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग दैट फिल्म एज माय फर्स्ट फिल्म एंड सो आई हैड अ वर्ड विद हिम एज वेल एंड आई टोल्ड हिम दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस एंड आईड लाइक टू डू दिस फिल्म एंड ही वॉज वेरी ग्रेशियस अबाउट इट एंड ही लेट मी गो अहेड एंड डू दिस फिल्म एंड फॉलो इट अप विद हिज प्रोडक्शन। So I think these were the first three people that I spoke to about this. और जब ईशान से ये पूछा गया कि क्या उनके भाई शाहिद ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स भी दिए थे, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि अपनी दिल की सुनो और just work honestly and work hard, that's it. गौरतलब है कि इस फिल्म में फीमेल लीड के लिए दीपिका पादुकोण ने भी ऑडिशन दिया था, जिसकी एक तस्वीर सेट से लीक होकर वायरल हो गई थी। تشکر ویژه کنم از خود خانم دپیکا که خیلی تواضع به خرج داد و من لازمه که اینجا بگم که ایشون وقتی من ازشون خواستم که برای تست بیان، تست نه به جهت اینکه تواناییشون رو بسنجم، نه، برای اینکه توی اون نقش ببینم چطوره، و ایشون با تواضع خیلی کاملی اومدن و من ممنونم از خانم دپیکا. هرچند این همکاری صورت نگرفت به دلایل مختلفی، چون به هر حال ایشون هم پروژه داشت و تاریخی که ما میخواستیم کار کنیم و دلایل دیگه، این فرصت فراهم نشد. ولی من جا داره که اینجا از همه عزیزانی که بهرو در بالیوود بودن و اومدن قازانه اومدن تشکر کنم. Also I should appreciate all Bollywood faces, Bollywood actors, actresses. Also I should make a special thanks to Mrs. Deepika. So she was very very humble. And so even actually when we invited her to come, it was not actually for casting, but to put her in the situation to get the feeling of the film. And she was really humble.
For different reasons, actually, we couldn't have this collaboration, but we hope in future we have this opportunity to work together. खैर ट्रेलर लॉन्च के दौरान माजिद मजीदी ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो ईरान से ज्यादा भारत और एशिया के अन्य देशों में ज्यादा लोकप्रिय है और यही वजह है कि उन्होंने पहली दफा भारत की पृष्ठभूमि में फिल्म बनाने के बारे में सोचा। माजिद ने शूटिंग के अनुभवों को भी काफी सुखद बताया। जाते जाते ये भी बता दें कि ये फिल्म हाल ही में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म के तौर पर दिखाई गई थी। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।